नमस्कार, आप सबों का स्वागत है। आज हमारे मधुपुर शहर में भोजपुरी की प्रसिद्ध लोक गायिका देवी जी का आगमन हुआ है और मधुपुर से सटे हुए अपने पाथरौल में 9 दिवसीय सत्यंडी महायज्ञ का समापन है। 14 तारीख से ही लगातार हर दिन कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन समापन समारोह में आज बिहार झारखंड की, यूँ कहें पूरे भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका भोजपुरी की देवी जी आई हैं और आज वहाँ के दर्शकों को घुमाएंगी अपने मधुर गीतों के साथ। देवी जी इससे पहले भी मधुपुर आई हैं और हम सबों ने उनका भी इंटरव्यू किया है। सबसे पहले आपका स्वागत पुनः मधुपुर में, और आई हैं क्या कुछ आज वहाँ गाएंगी, क्या कुछ गुनगुनाएंगी? सबसे पहला गाना आपका लोकप्रिय गाना कौन सा रहा? देखिए, सबसे पहले तो पाथरौल की जनता है और वहाँ के जो आयोजन करता है उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आमंत्रित किया और फिर से मैं इस क्षेत्र में दोबारा आ पाई। बहुत साल पहले मैं आई थी और फिर से आगमन हुआ है। तो ये जो आयोजन है वो वहाँ पे काली मंदिर है, तो भजनों का ही ज़्यादा परफॉर्मेंसेस होंगे और आई होप कि जो वहाँ के लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। एक प्रसिद्ध आपका सबसे पहला गाना फेमस हुआ था राजधानी पकड़ के आ जाइए, आपने उस गाना से प्रसिद्धि बटोरी थी। आजकल जो समय भोजपुरी का ट्रेंड जो हो गया है, लोग प्रसिद्ध होने के लिए कहीं ना कहीं कुहड़ता को अपनाते हैं, तभी वो लोकप्रिय होते हैं और उसके बनिस्पत आप अभी तक कायम रखी हैं। आपका जो अपना वर्चस्व है भोजपुरी पर अभी भी कायम है, किस रूप में देखें? थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरा मानना ये है कि इंसान के दिल की मतलब संतुष्टि भी होती है। तो जब हम काम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ जान जाएं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे कार्यों से मुझे जाने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने अपने संगीत के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपने लिरिक्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वैसे गाने कभी नहीं गाए जो कि समाज को एक गलत मैसेज देते हों, और मुझे मेरे प्रोग्राम्स में आज तक कोई कमी नहीं आई। मैंने देश विदेश कई जगहों पर प्रोग्राम दिया और मुझे यही महसूस हुआ कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत लंबे समय तक कायम रहती है और उसका एक अलग स्थान होता है। आजकल जैसे कि अब सोशल साइट्स पर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, लोगों को लोग गाना गाना चाह रहे हैं ट्रैक के माध्यम से, खुद माइक ऑनलाइन मंगवाते हैं, घर में गाते हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की। तो वैसे संगीतकारों को जो घर में बाथरूम सिंगर होते हुए भी गाने की इच्छा रखते हैं, वैसे लोगों को कुछ? देखिए, संगीत से तो जुड़ना बहुत ही अच्छा है और आज टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें पब्लिक के बीच आना इतना ज़्यादा मुश्किल होता था कि वो आपके हाथ में होता ही नहीं था। जब तक कि हमें कंपनियां मतलब प्रमोट नहीं करती थी, कंपनियां रिलीज नहीं करती थी, कलाकारों को मतलब धक्के ही खाना पड़ता था। लेकिन आज का दौर इतना ज़्यादा ईजी हो गया है लोगों के लिए, ये अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जो है वो लोगों के बीच बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब लोग के पास मोबाइल है तो आजकल सेल्फ प्रमोशन का ज़माना हो गया है, तो इट्स अ बिग चेंज मैं देख सकती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छे संगीत से लोगों को जुड़ना चाहिए, ये आपके जीवन के लिए अच्छा है। हमने भी एक आश्रम भी बनाया है, देवी म्यूजिक आश्रम ऋषिकेश में, और उसका यही उद्देश्य है कि लोग पूरी दुनिया से वहाँ लोग आते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि अच्छे संगीत से लोग जुड़े। वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, इसकी भी शिक्षा दी जाती है। तो बस संगीत आपको अच्छी फीलिंग कराता है एंड डेफिनेटली लोगों को जुड़ना चाहिए संगीत से। इन दिनों अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनावों का मौसम है, 1 जून को यहाँ भी मतदान होना है, मतदाताओं को गीत के द्वारा आप कैसे मतदान के प्रति? देखिए, गाना तो मैं कोई और सा सुना दूँ कि मतदान पे मैंने गाना नहीं गाया, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोकतंत्र है इसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत से ये हमें मिला है और इसका बहुत ही सदुपयोग होना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपका राज्य बेहतर हो, देश बेहतर हो, तो मतदान जरूर करना चाहिए। तो मैं सभी अपने जो दर्शक हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग घर से बाहर निकलिए और ज़रूर मतदान कीजिए और एक अच्छा नेता चुनिए, एक अच्छा राज्य बनाइए, एक अच्छा समाज बनाइए, एक अच्छा देश बनाइए। जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक सुमधुर गीत के साथ कार्यक्रम। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप बता दीजिए। आप अपना जो आपका फेवरेट है जो आज आप पाथरौल में सुनाइए। ठीक है, तो वहाँ तो ज़्यादातर मैं भजन ही गाऊंगे, तो एक भजन सुना देती हूँ मैं जो कि काफी पॉपुलर है, सभी जानते हैं। निमिया के डाढ़ी मैया लावे ले हेलो रवा के झूली झूली ना, निमिया के डाढ़ी मैया लावे ले हेलो रवा
के झूले झूले ना ये मैया मोरी गावे ले गेतिया के झूले झूले ना ये मैया मोरी गावे ले गेतिया के झूले झूले ना झूलता झूलता मैया के लागले पियासिया के चले भैले ना झूलता झूलता मैया के लागले पियासिया के चले भैले ना उमला हो रिया अवसवा के चले भैले ना उमला हो रिया अवसवा के चले भैले ना निमिया के दाढ़ी मैया लावेले हिलो रवा के झूले झूले ना मैया मोरी गावेले गेती या के झूले झूले ना ये मैया मोरी गावेले गेती या के झूले झूले ना। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ही सौभाग्यशाली है मधुपुर वासी पाथरौल वासी और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता यहाँ के जिला परिषद सदस्य बलवीर राय जी, साथ ही मधुपुर में देवी जी को यहाँ बुलाए म्यूजिक कंपनी राजीव म्यूजिक कंपनी की टीम, साथ ही लखा जी का भी कार्यक्रम आज है। इस तरह की पूरी टीम आज कार्यक्रम करेंगी और पाथरौल की जो श्रद्धालु हैं जो भजन गीत संगीत से नाता रखते हैं उन सबों को सुमधुर गीतों से आज देवी जी झुमाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज़।